नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। हर रोज हम समाज से जुड़ी, देश से जुड़ी खबरें लेकर आपके सामने होते हैं, लेकिन आज सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, तो आज मैं कोरोना वायरस से शुरू करता हूं। एक तरफ प्यार से पुलिस आपको सतर्क कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। उसके बावजूद भी कुछ लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कानून का पालन न करने वालों पर पुलिस ने कैसे लाठियां भाजी है। आज पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। हमारी सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो अपील कर रही है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, नहीं सामने आएगा, वायरस नहीं फैलेगा, बचा जा सकता है। कोरोना वायरस का जहां सबसे ज़्यादा मामले सामने आए थे वो है पिंपरी चिंचवाड़, लेकिन वहां के लोग घरों से बाहर नहीं निकले, इस कर्फ्यू का समर्थन किया। अब वहां पर एक हफ्ते से एक भी केसेस सामने नहीं आए हैं। हम आपको सुनाएंगे वहां के कमिश्नर ने जो है खुद सोशल मीडिया पर आकर क्या कहा है। मीडिया का सहारा लिया है, सोशल मीडिया का सहारा लिया है, बताया लोगों को एक हफ्ते से एक भी कोरोना वायरस से जुड़ी खबर सामने नहीं आई। इसकी वजह है घर से बाहर नहीं निकलने का। मैं पिंपरी चिंचवड़ के बारे में आपसे एक अच्छी न्यूज शेयर करना चाहता हूं। 7 दिनों से पिंपरी चिंचवड़ में कोई भी नया केस कोविड-19 का नहीं आया है। करीब 12 केसेस थे जिसमें से 3 डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज भी कुछ लोगों के डिस्चार्ज होने की शक्यता है। मित्रों, ये सब मुमकिन हुआ आपके एफर्ट्स की वजह से। आपने बहुत सीरियसली लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया है और आगे भी मेरी आपसे अपील है कि किसी तरह का लॉकडाउन का, जमावबंदी, संचार बंदी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से मेरी विशेषतः अपील है कि अपने बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें, क्योंकि बॉल जो है एक वायरस का माध्यम हो सकता है कैरी करने का। बाहर शाम को लोग घर से ना निकलें, नुक्कड़ पे लोग गपशप ना करें, वीडियो ना देखें। अगर ग्रोसरी और औषधि लेने जाएं तो ग्रुप में ना जाएं, अकेले अकेले जाएं। और शहरों को चमकाने वाले, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को खड़ी करने वाले, एक तरह से ये कह सकते हैं जो शहरों को बनाते हैं, वो शहर छोड़कर सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर गांव जाने पर मजबूर हैं। हजारों की संख्या में लोग चले गए और अभी भी जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो या फिर अन्य जगहों की बात हो। गांव से सपना लेकर आए थे मुंबई माया नगरी में 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनका सपना सपना रह गया और कोरोना वायरस ने उन्हें भूखमरी का शिकार बना दिया। कोरोना ने इस तरह से दहशत देश में फैलाया है, उन्हें पैदल अपनी जान की बाजी लगाकर गांव जाने पर मजबूर कर दिया है। गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं, मगर हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्हें सदमा लगा हुआ है, आखिर कितने दिन देश लॉकडाउन में रहेगा? 21 दिन की लॉकडाउन के बाद भी और बढ़ने की चांसेस हैं। उन्हें ये चिंता सदमा खाए जा रही है, लेकिन सरकारें ऐलान कर रही हैं जो जहां है वहीं पर रहे। सरकार उनकी भोजन की व्यवस्था कर रही है। एक बहुत सीधा सीधा सा सवाल जो हमारे और आपके दिमाग में है, मन में है, आना भी चाहिए। 21 दिन की लॉकडाउन जिसकी आगे बढ़ने की पूरी आशंका है, उसके लिए सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमने नागरिक की प्राथमिकता तय कर ली, मगर घर में रहो, बाहर ना निकलो, देश की जनता घर में रहे, देश की जनता के सामने लक्ष्मण रेखा को पार ना करने की बात तो कही है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए? सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या कोरोना से जंग लड़ने के लिए सरकार को फंड लगाने चाहिए या नहीं? और उस पर सबसे खास लोगों पर जो सबसे ज़्यादा हरि सिंह पर है, जिसकी तस्वीरें पैदल चलते आपने देखी होगी, धूप छांव कुछ नहीं, बस उन्हें गांव जाना ही जाना है और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्या उस दिहाड़ी मजदूर पर पैसा खर्चा करना ज़रूरी नहीं है? जो लोग कोरोना और धारा 144 के डर से फंसे हैं शहरों में, सरकार से गुहार लगा रहे हैं और आस लगा रहे हैं कोई ऐसा ट्रेन चला दे जो घर पहुंचा दे उन्हें, क्या 21 दिन
लॉकडाउन के बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा या और भी आगे बढ़ सकती है। जिस तरह से कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, इससे साफ होता है लॉकडाउन आगे बढ़ सकती है, लेकिन सरकार को चाहिए जो भुखमरी के शिकार हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। उनकी आंसू छलकते देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, इस तरह का नज़ारा भारत में हमने और आपने शायद नहीं देखा होगा, ये पहली बार होगा। लेकिन क्या करें, कोरोना वायरस से बचना है तो घर में रहना है, घर में रहना ही होगा। और एक तरफ देश में भीषण कमी है वेंटिलेटर की, मास्क की, लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले तमाम, हमारी और आपकी ज़िंदगी बचाने वाले तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ तक दवाइयों की। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी संकटकालीन खरीदते हैं, मशीन गन खरीदते हैं हमारी सरकार, हमारे देश की हाल है। दोस्तों, एक तरफ तमाम लोग बता रहे हैं सिर्फ देश लॉकडाउन से काम नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, इससे निपटने के लिए, इससे जंग लड़ने के लिए ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको बता दूं, जिस तरह से महाराष्ट्र में 4 जिलों में पहले लॉकडाउन कर दिया गया था, क्योंकि इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद सिर्फ 4 जिले ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र जो है लॉकडाउन कर दिया गया, दिल्ली, राजस्थान, कोई ऐसी जो है पूरे देश में ऐसा राज्य नहीं बचा जहां पर लॉकडाउन नहीं किया गया है। सभी जगहों पर लॉकडाउन किया गया और सभी राज्य सरकारें जो है वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जो है राज्यों में अपील कर रही हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन उसके बावजूद जो कोई दवाइयों के बहाने से या अन्य बहाने से वो जो आ रहा है, उस पर पुलिस एक्शन तो ले ही रही है, और उस पर जो है एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोई रास्ता ही न सरकार के पास बची है न और लोगों के पास। इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।